हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में गाइस हम लोग 22 से करेंगे। गाइस 21 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, आज से हम 22 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वॉच टाइम बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि वॉच टाइम अगर कम रहा तो यूट्यूब क्या है, अलाउ नहीं करता है वीडियो अपलोड करने में। इसमें गाइज आपका ही लॉस है। ठीक है, फ्री कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो वीडियो बना लूँगा लेकिन आप ही का लॉस रह जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद के लिए और अपने भाई बहनों के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि और आपके रिलेटिव भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में बताएं। ठीक है, और आपको गाइस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी कंटेंट है फ्री के, मैं आपको यहीं पे दूंगा। ठीक है, आप बस अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं और उनको जोड़े, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 22 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है गाइस 22 में? इफ़ 5x² माइनस 3xy प्लस 6y² इक्वल टू 0, देन x इज टू y का रेशियो क्या होगा? तो गाइज ये आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो गाइज ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे गाइज? हम एक ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर लेंगे कि जो जोड़ने से, एक सेकेंड गाइज, तो गाइज हम एक दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको जोड़ने से 13xy होगा और मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा। 30 कहाँ से आएगा? क्योंकि 5 × 6 30 आता है। ठीक है, तो जोड़ने से 30 और सॉरी मल्टीप्लाई करने से 30 और जोड़ने से हमें क्या मिलना चाहिए? 13 मिलना चाहिए। तो हम इसको 13 को 10xy प्लस 3xy लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5x² माइनस 13x, सॉरी ये हो जाएगा 10xy माइनस 3xy प्लस 6xy². ठीक है, अब इसमें से गाइस हम लोग क्या करेंगे, 5x कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 5 और 1x है और यहाँ पे भी 5 और 1x छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 5x ले लूँगा तो ये क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 1 5 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा गाइस, 2, और ये y बच जाएगा 2y, ये माइनस 3xy। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 3 और y कॉमन ले लूँ, ठीक है, 3 और y कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बच जाएगा गाइस, यहाँ से x बच जाएगा और ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2y बच जाएगा। ठीक है, अब ये 5x ब्रैकेट के बाहर है, उसको एक अंदर, एक साइड, एक एक तरफ लिख लो और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको एक तरफ लिख लो। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हमें 2 मिल गया, यहाँ से यहाँ पे भी x का वैल्यू y का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे भी x का वैल्यू y का वैल्यू निकलेगा। तो पहले अगर मैं यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, ये 5x माइनस 3y, ठीक है, और ये x माइनस 2y। ठीक है, अगर मैं इसमें से पहले निकालूँ, ठीक है, तो x को एक तरफ लेता हूँ और y को एक तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, 5x इक्वल टू 3y हो गया। अभी x और y को इधर पे लेके आओ, ठीक है, y को नीचे लेके आओ। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ जाएगा गाइस, 3:5। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे सेम करूँ, ठीक है, x ये 2y, ठीक है, x को एक तरफ लेके आ जाओ, ये y नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और नीचे 1, तो ये कितना आया, 2:1। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये दोनों जो एक्स वाई का जो हमारा रेशियो निकला, क्या ये दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइज ऑप्शन में दिया हुआ है 3:5 और 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, 23 नंबर क्या बोल रहा है, इफ 7:x प्रोपोर्शन टू 17.5:22.5, देन एक्स, ये एक्स का वैल्यू हमें पूछा है। तो गाइज बहुत इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो गाइज आप एक काम कर सकते हो, आप तो ये यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहीं पे काटा पिटी कर सकते हो, या फिर आप अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा आपको वीक लगता है तो आप एक काम कर लो, इसको इस तरह लिख लो। ठीक है, 22/22.7 इसे काटो गाइस, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 2 जो 14, 2.5 बार में जाएगा,
इसे 2.5 और इसको 22.5, ये कितनी बार में गाइस 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा कितना है, 9 आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी काटा पिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं x का वैल्यू 9 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या बोला, इफ 0.4:1 1.4, ठीक है, प्रोपोर्शन टू 1.4:x, ठीक है। तो गाइस ये सेम ऊपर वाली की तरह है, ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1/5:1/x प्रोपोर्शन टू 1/x:1.25x का वैल्यू। ये भी गाइस इस तरह ही है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ फ्रैक्शन में, तो इसको किस तरह करेंगे। तो गाइस आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो कभी गलती से भी यहाँ से इसको इसको मत काट देना, ठीक है। तो इसको ये 1/5 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/x/1.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x/5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 1.25/x, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करो, ये x² = 5 × 1.25, 6.25 आता है गाइस, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है। ये अगर पॉइंट ना हो, अगर गाइस यहाँ पे पॉइंट ना हो तो ये 25 का स्क्वायर होता है, ये पॉइंट है तो ये 2.5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं एक्स का वैल्यू 2.5 दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइस ऑप्शन में 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। बोला इफ ए बी इक्वल टू 36 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोला अगर ए बी जो है 36 है तो इनमें से कौन सा रेशियो करेक्ट होगा, ठीक है। तो गाइस पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पेन में करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे या ऐसे ही कर सकते हैं। a:9 है, मतलब a/9 = 4:b है, तो मतलब 4/b, ठीक है। a/9 = 4/b, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो a, ठीक है, ये a और b मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये 9 × 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी मेरा कितना है, 36 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, हमेशा याद रखना गाइस, ठीक है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये लेफ्ट वाला और राइट वाला मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों इक्वल टू के बगल वाला मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखते हो तो गाइस ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 9b और इक्वल टू 4 है, तो ये मेरा ए बी मेरा सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3a होता है, यहाँ पे 18b होता है, ठीक है। अगर मैं काटा पीटी भी करूँगा तो ये a = 6b आता है, तो ये नहीं होता है गाइस। यहाँ पे देखो गाइस ये आ जाएगा कितना, 6a = 6b, ठीक है। तो ये 6 कट गया, a:b तो 1 आया, तो ये भी नहीं आया। तो ऑप्शन मेरा क्या आया गाइस, ए ये आया ए वाला, ठीक है, a:9 = 4:b, ठीक है। तो यही मेरा ऑप्शन है, देखिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ p प्लस q इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q देन p:q क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ इसको किस तरह करेंगे। तो गाइज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहीं से काटो परसेंटेज और ये जीरो, ये कट जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब देखो गाइस ये मल्टीप्लाई करो, 2 × p 2p + 2 × q 2q, ठीक है, ये 5 × p 5p - 5q, ठीक है। अभी pp को एक तरफ ले जाओ और qq को एक तरफ ले जाओ, ठीक है, -5p, ये हो जाएगा 5q - 2q, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो -3p और इसको करेंगे तो -7p, ठीक है, ये सॉरी पी नहीं, ये क्यू हुआ, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, पी और क्यू को इधर लेके जाए तो ये 7/3, ठीक है। तो ये क्या होगा, 7:3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 7:3 दिया कि नहीं। गाइज अभी तक मैंने आपको 27 तक क्वेश्चन तक करा दिया, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पेन लेके कर रहा हूँ, बट आप इस तरह प्रैक्टिस कर लेना कि आपको एग्जाम में कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़े, आप मतलब और वर्बली इसको मन ही मन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इतना आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करके मतलब चेक करते हैं 7:3 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 3:7:3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ a:b = c:d = e:f = 1:t। तो गाइस यहाँ पे a:b का रेशियो भी 1:2 है, c:d का भी रेशियो 1:2 है, ई और ई एफ
ई और ई एस टू एफ का भी रेशियो 1:2 है। तो आपसे गाइज ये इक्वेशन पूछा है, तो ठीक है क्या करना है गाइज, आपको कुछ नहीं करना है, जो ए का रेशियो वहाँ पे ये ए की जगह पुट करना है, जो बी का सी का रेशियो वो सी की जगह पुट करना है, जो ई का रेशियो वो ई का रेशियो पुट करना है। जैसे यहाँ पे ए का रेशियो 1 दिया हुआ है, सी का रेशियो 1 दिया हुआ है, ई का रेशियो भी यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, और इधर बी का रेशियो 2 दिया हुआ है, डी का रेशियो भी 2 दिया हुआ है और एफ का रेशियो भी 2 दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, इन रेशियो के साथ 357 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो आएगा ठीक है वही रेशियो आपको आंसर में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये खुद से कर लेना गाइस, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, ठीक है, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा है ए का पावर 4 इज टू बी का पावर 4 क्या होगा, ठीक है, तो करके देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपसे ये पूछा हुआ, तो इसको कैसे करना है गाइज, इसको सिंपली करना है, ए बाई बी लिखेंगे, ये हो जाएगा बी बाई सी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए और ये ए इंटू सी, ये ए सी हो जाएगा, ठीक है, तो बी का स्क्वायर मेरा ए सी है। अब गाइज ये क्या दिया हमसे, ये पूछा है, ठीक है, ए का पावर 4 बी का पावर 4, तो हम इसको बी का पावर 4 को हम इस तरह नहीं लिख सकते, ए का पावर 4 बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4 बी का स्क्वायर 2 ही, बी का पावर 4 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी का स्क्वायर कितना दिया, ए सी दिया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ए का पावर 4, ठीक है, बी का स्क्वायर कितना होगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा अभी ए का पावर 4, अभी ये ए सी का स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पावर 2 से कट जाएगा, तो बचा क्या गाइस, ए का पावर 2 सी का पावर 2, ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा गाइस, ए का पावर 2 और सी का पावर 2, ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं ए का पावर 2 सी का पावर 2 दिया है कि नहीं, तो गाइस यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर इज टू 2 सी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6, ठीक है, बोल रहा है कि हम लोग ठीक है कौन सा नंबर 3:5 रेशियो में जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो जो रेशियो जोड़ मतलब नंबर जोड़ने के बाद ये जो रेशियो है वो चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, तो वो नंबर क्या है हमें तो पता नहीं पहली बात, ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये जो 3 और 3:5 इसी को मैं इसी को नंबर में मान लेता 3x और 5x, ठीक है, अब 3x और 5x में मैं एक सेकेंड गाइस सॉरी फिर से बताता हूँ, अ नंबर हैज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5, ठीक है, बोला एक नंबर है वो 3:5 में ऐड किया तो जो रेशियो है वो क्या बन गया, 5:6 बन गया, ठीक है, तो वो मतलब तो पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा, तो बोल रहा है कि पहली बात तो गाइस हम यहाँ पे रेशियो से चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग अगर मैं रेशियो से चेक करूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ऐड करने से ये कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 9 और 11 तो ये गाइस नहीं हो रहा, ठीक है, अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 और 7+5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 12 हो जा रहा है, तो अगर मैं 10 और 12 होगा तो काटेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है, अगर मैं 12 लेता हूँ तो ये 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो ये मैच नहीं कर रहा, अगर 13 लेता हूँ तो ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा कितना, 7 वाला, ठीक है, ये तो वो ऑप्शन मैं बोलूँगा बेस्ट होगा ऑप्शन से ही करना, ठीक है, और सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड मैं एक्स लेके करता हूँ, तो किस तरह करूँगा एक्स लेके, तो गाइस एक्स लेके क्या करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे, 3 है, ठीक है, 3 में मैं अगर नंबर ऐड करता हूँ तो x वो नंबर x है, 5 में अगर मैं एक कोई नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है, तो वो x है, ठीक है, तो बाई क्योंकि 3:5 था तो 3/5 लिखने का कोई फर्क, सेम ही बात होती है, ठीक है, और ये जो रेशियो इसमें मैं x ऐड करूँगा तो ये जो रेशियो हो जाएगा गाइज, ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइज, ये हो जाएगा 15+5x, ये हो जाएगा 20+4x, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो गाइज ये कितना आ जाएगा, अगर मैं x माइनस करता हूँ, ठीक है, 4x और 5x माइनस करूँगा, ठीक है, एक सेकेंड गाइज, 4/5 ये 4/5 नहीं, ये 5/6 है, ठीक है, सॉरी काट दो इसको, ठीक है,
मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6x, ये हो जाएगा 25 प्लस 5x, ठीक है। x को उधर लेके जाऊंगा तो ये x रह गया, ठीक है। 5x माइनस 6x माइनस 5x x रह गया, 25 माइनस 18 करने से 7 आता है, तो x का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो ऑप्शन हमने ऑप्शन टेस्ट किया था उसमें भी हमारा 7 सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ पे भी x का वैल्यू 7 ही आया, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा गाइस तो ऑप्शन से करना, ठीक है। ऑप्शन से क्या है जल्दी होगा, आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, माइंड में फटाफट कर लोगे कैलकुलेट, ठीक है। तो ऑप्शन से करना, ठीक है, एक्स लेके मत करना। फिर भी मैंने आपको सेकेंड ऑप्शन बता दिया किस तरह करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। तो गाइस यहाँ पे दो नंबर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेशियो रेशियो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और रेशियो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो घूम फिर के उतना ही आता है, ठीक है, याद रखना। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 6, अगर हर एक नंबर 6 इंक्रीज हो रहा है, देन द रेशियो बिकम 4:5, ठीक है। अगर हम इस नंबर में, ठीक है, जो नंबर का रेशियो दिया हुआ है बोल रहा है, नंबर में हम 6 ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 6 इंक्रीज कर देंगे, तो जो रेशियो हो जाएगा वो 4:5 होगा, पता है 3:4 से बढ़ के 4:5 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दी नंबर, तो वो जो दो नंबर उनका डिफरेंस क्या होगा। तो गाइस ठीक है, यहाँ पे नंबर मतलब नंबर का रेशियो दिया, तो मैं क्या करूँगा गाइस, इसी को मैं नंबर मान लूँगा। ये जो नंबर होगा 3x होगा, और ये जो नंबर होगा ये 4x होगा, ठीक है। तो 3x में हम लोग क्या करेंगे, 3x और 4x में हम लोग 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस इसको नंबर को हम लोग कैसे मान, हम लोग क्या मान लेंगे, 3x में हम लोग क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, और 4x में 6 ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। ऐड करने से ये जो जो रेशियो होगा वो 4:5 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 15x हो जाएगा, प्लस ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x प्लस 24, ठीक है, ये हो गया। अभी x 15x माइनस 16x x होता है, ठीक है, 24 में से 6 30 में से 6 30 में से 24 गया 6 आया, तो x का वैल्यू मेरा 6 आया, ठीक है। अब ये तो गाइस हमने क्या, ये अब क्या करना है, नंबर निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस रेशियो को क्या मान लिया था, नंबर मान लिया था x समझ के। तो x का वैल्यू निकल आया, तो x मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 18 और 4x, ठीक है, ये हो जाएगा 4:6=24। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, ठीक है, डिफरेंस माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा गाइस, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 6 दिया है कि नहीं, तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ है 6, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2, बोला है जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया वो 3:2 दिया हुआ है। व्हेन 6 मोर गर्ल्स ज्वाइन, बोल रहा है अगर 6 गर्ल्स और ज्वाइन किया, मतलब 6 गर्ल्स और ने और ज्वाइन किया, तो दिस रेशियो बिकम 3:6:5, तो ये जो रेशियो है वो बढ़ के क्या हो गया, 6:5 हो गया। तो बोल रहा है हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, बोल रहा है कि कितने बॉयज होंगे, ठीक है, स्कूल में, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले वाला जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट वहाँ यहाँ पे क्या था, दोनों नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बोल दिया कि गर्ल्स इंक्रीज हुआ, मान लो बॉयज और गर्ल्स जो है वो एक नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस बॉयज और गर्ल्स का क्या है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स ले लेंगे कि 3x बॉयज थे और 2x गर्ल्स थे, ठीक है, इस तरह लेके करेंगे। तो करके देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। तो गाइस मैं इसको 3x मान लेता हूँ, ठीक है, 3x बॉयज थे और 2x गर्ल्स थे, बोला है कि इसमें 6 गर्ल्स और इंक्लूड हुए, तो गर्ल्स इंक्लूड हुए तो गर्ल्स में ही हम लोग मतलब जोड़ेंगे इसको, ठीक है, 6 गर्ल्स ने और क्या क्या ज्वाइन किया, तो ये जो रेशियो हुआ वो कितना हो गया, 6:5 हो गया, तो 6/5 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 12x प्लस 36, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 15x माइनस 12x 3x इक्वल टू 36, तो x का वैल्यू कितना आया गाइस, 12, ठीक है। अब पूछा है बॉयज कितने हैं, तो बॉयज कितना था गाइस, 3x था, तो x का वैल्यू निकल आया है, तो 3x इक्वल टू 3 × 12 = 36 होता है, ठीक है। तो हाँ ऑप्शन में देखते हैं 36 दिया कि नहीं। अगर गाइस अगर पूछता कि पहले मतलब गर्ल्स का रेशियो की मतलब गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, मतलब इंक्रीज होने से पहले 6 ज्वाइन होने से पहले कितना था, तो हम लोग 12 इंटू
टू करेंगे 24। बोला आफ्टर ज्वाइन अगर बोलता तो हम लोग 12 × 2 + 6 कर दे, ठीक है। तो अगर गर्ल्स ध्यान देना, गर्ल्स कौन सा पूछा है, बिफोर ज्वाइन पूछा है या आफ्टर ज्वाइन पूछा है। बिफोर ज्वाइन पूछेगा तो 24 आएगा और आफ्टर ज्वाइन पूछेगा तो 18 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में 36 दिया है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे 36 नहीं दिया, मतलब नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 4:5। बोला एक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 4:5 दिया हुआ है। व्हेन 100 गर्ल्स लीव्स द स्कूल, अगर 100 गर्ल्स ने छोड़ दिया तो जो रेशियो था वो 6:7 बन गया। तो बोल रहा है हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। तो गाइज सेम ऊपर वाले के क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। यहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया, यहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया। यहाँ पे 6 बॉय गर्ल्स ने ज्वाइन किया, यहाँ पे क्या है 600 गर्ल्स ने लीव के, यहाँ पे ज्वाइन के, यहाँ पे लीव के, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो यहाँ पे लीव किया तो हमने क्या किया था, प्लस सिक्स किया था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ज्वाइन किया था तो हमने प्लस सिक्स किया था, यहाँ पे लीव किया है तो यहाँ पे -100 करेंगे, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइज मैंने 4x मान लिया बॉयज हैं और 5x मान लिया गर्ल्स है, इसमें से 100 ने लीव किया तो जो रेशियो था गाइज वो कितना बन गया, वो 6:7 बन गया। अब कॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 28x हो गया और ये 30x हो गया -600, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा -= 600। तो x का वैल्यू आया 300, ठीक है। अब हमसे पूछा बॉयज़ तो 4x था, तो ये 4 × 300 = 1200 बॉयज़ होंगे, ठीक है, एक स्कूल में। तो ऑप्शन में देखते हैं 1200 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में तो 1200 नहीं है, मतलब नॉन ऑफ दीज होगा, ई नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 34 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए बहुत इजी क्वेश्चन थे, और आगे भी मतलब कुछ क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, वैसे रेशन प्रोपोर्शन बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि मतलब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। वह आपको बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा। अभी तक जो आया, अभी तक मैंने जितना भी कराया गया रेलवे ग्रुप डी और स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम आते हैं होते हैं, ठीक है, उसमें ये पूछ लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो मतलब मेन एग्ज़ाम, मतलब जो अच्छे ग्रुप सी ग्रुप डी मतलब ग्रुप बी लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। फिर भी ये बेसिक है, आपको मैंने बेसिक बताया, अभी आगे जाएंगे, अभी अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि ईजी ही हैं, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वॉच टाइम को बढ़ाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है गाइज। जो भी है गाइज आप अपना प्रॉपर एक नोट्स बनाएं, ठीक है, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ गाइज मेरे चैनल में, ठीक है, आपको मतलब मेरे चैनल में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपको कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मैं मतलब रीजनिंग की भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आप सबके लिए, आपको रीजनिंग के लिए भी कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, और ऐसे 200 ट्रिक्स से रीजनिंग कराऊंगा ना गाइज, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर जो है मैं लेके आ रहा हूँ गाइज, कौन सा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, और बहुत ही भयंकर तरह से समझाऊंगा गाइस, ठीक है। आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आप कोई भी मतलब प्रीवियस ईयर के मतलब बुक उठाओगे और काउंटिंग ऑफ एरर्स सब करोगे, आपसे मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ गाइस 90 to 98% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 2% ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा टफ होंगे, ठीक है, बट वो भी सॉल्व होंगे अगर आप उसको मतलब बेसिक फिगर से अगर, वो सब मैं बताऊंगा गाइस जब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जब आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर्स के वीडियोज आने लगेंगे तब वो देखना सीख जाओगे, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन भी किस तरह करना है, ठीक है। तो गाइस चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हाँ गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉच टाइम बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।